कर दिया है ना। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं राज राणा और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी आरजे बेकअप विद जीएस। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं राज राणा और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी आरजे बेकअप विद जीएस। हेलो स्टूडेंट, आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिस इज राज राणा, फैकल्टी ऑफ जीएस फ्रॉम ज्योग्राफी आरजे। और सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं सॉरी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। और जो भी आज एनसीईआरटी में ये पहली क्लास ले रहे हैं वो पूरी तरह से कोशिश करें हमारे जितने भी पुराने चैन जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें, या इसी को जस्ट मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके खोज लें, प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे सारे जितने भी वीडियो हैं वो सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अमन कुमार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, तो साथ ही साथ जो भी एकेडमी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल पर बने रहें। क्लास नाइन्थ की मैं सारी किताबें कराऊंगा, केवल ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी के अलावा मैं साइंस वगैरह भी और जितनी भी बुक्स होती है जो एनसीईआरटी की सारी बुक्स कराने की कोशिश करूंगा। तो अकेडमिक वाले भी इससे मेरे चैनल से या मेरे जो वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। बाकी भी जो भी आईएएस बनना चाहता है, जो भी पीसीएस बनना चाहता है और जो भी किसी कंपटीशन में अपना नंबर जल्दी लेके आना चाहता है, इसके अलावा जिसको भी इस एनसीईआरटी और जीएस की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज की ज़रूरत है या जो चाहता है कि मैं उसकी नॉलेज बहुत अच्छे तरह से गेन करना चाहता हूँ, तो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ा रहे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा न्याय करने की आपके साथ, एनसीईआरटी के साथ न्याय करने की, आपके साथ न्याय करने के लिए, न्याय करने के लिए। सर कल प्रॉब्लम हाँ हो गई थी इसलिए मैंने क्लास बंद कर दी थी, तो 40 मिनट की क्लास हो पाई थी। ठीक है, आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कल खत्म करी थी। अमन कुमार कोई बात नहीं है, बाकी सब आ गए हो तो आ जाओ कमेंट में एक बार हाय तो बोल दिया करो, सभी जो भी आ जाए करें।
ठीक है, मुझे पता रहे कि कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा है, ठीक है नहीं। तो आप इस चैनल को पे मैंने बताया था, आप लगातार इसको कमेंट करते रहा करें, इसे थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहें। ध्रुव शर्मा हाय, तो सभी और अपने जितने भी दोस्त हैं उसको भी साथ साथ शेयर कर दिया करें, तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा मेरे चैनल की पब्लिसिटी आपके भी हाथ में है, और सभी जगह फैलाओ। और मुझे बताओ कि अगर आप चाहते हो कि किसी जैसे मैं एक दिन शुरू करूंगा कि एक दिन एक ही पूरे दिन में ज्योग्राफी को ख़त्म करने के बारे में, ऐसे ऐसे लेक्चर भी कुछ दिनों के बाद में लेके आना चाह रहा हूँ। साथ ही हम एक काम एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं आप सभी को, जो भी हमारे इस लेक्चर को देख रहा है, कि कुछ दिनों के बाद हम NDA का एक कोर्स लेके आ रहे हैं जूम ऐप पर। तो हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं, जो बहुत सारे हमारे टीचर हैं, वो सभी मिलके कम से कम 10 या 15 टीचर की हमारी फैकल्टी है, वो पूरी फैकल्टी जूम ऐप पर आपको NDA पढ़ाएगी। तो आपके जितने भी NDA के साथी हैं उन्हें भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर बता दें, और मेरा स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर से आप एक काम करें, उन्हें बता दें कि ये नंबर है, आप इस रिलेटिव NDA से रिलेटिव जितनी भी जानकारी है आप इस नंबर पे आके ले सकते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर टू का हमारा लेक्चर नंबर आज 5 होगा। अगर पिछले लेक्चर के आपको जितने भी चैनल के वीडियो देखने हैं तो आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बेटा आपको हमने बताया था कि चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है चैप्टर, और चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको याद करना जरूरी है, और कैसे याद करेंगे हम उस चीज़ को भी आपको बताएंगे। चलो बिना टाइम खराब किए हम सीधे NCERT पर चलते हैं, वही हमारी जरूरी है, वही हमारी पहचान है, और किसी भी कंपटीशन के लिए शायद वही आत्मा का काम करती है, ठीक है। तो चलिए अगर हम चलते हैं सीधे अपने ज्योग्राफी पर, और यहाँ से हम आ जाते हैं, देखिए अगर हमें आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो मुझे जल्दी बताइए। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है। तो हमने कल आपको बताया था कि जो हमारा भारत है, भारत के फिजिकल इंडिया के बारे में हम बता रहे थे, भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक का मतलब होता है भारत पर जितने भी प्राकृतिक स्थल हैं, बेटा प्राकृतिक स्थलाकृतियां, उसको कहते हैं नेचुरल रिलीफ। जो भारत में नेचुरल रिलीफ हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो जो हमने बताया था कि भारत के नेचुरल रिलीफ कैसे हैं, तो हमने बताया था कि सबसे अगर ऊपर का अगर हम पार्ट देखेंगे, तो पार्ट अगर हम इसको आज दोबारा देख लेते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो अगर हम ऊपर वाला पार्ट देखें तो ये वाला जो मैं आपको पेन से चला रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने उसी कलर से ले लिया, मैं कलर बदलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसको और अच्छे से, ठीक है। कौन सा कलर ले हम, चलो हरा कलर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ये भारत का प्राकृतिक भूक्षेत्र है। मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक भूक्षेत्र ये हमने नहीं बनाया है, ये ईश्वरीकृत है या ये नेचर के द्वारा निर्मित है। शिवा मित्तल नमस्ते, हाँ नमस्कार नमस्कार। ध्रुव शर्मा, अमन कुमार सभी आ गए, और भी अपने दोस्तों को भी बुलाते रहा करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, ये नॉर्थ का पार्ट है, ये सारा नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ के पार्ट में आपको ये जहां पर हमारे भारत के नॉर्थ के पार्ट में केवल और केवल माउंटेन मिलेंगे। इस पार्ट के जैसे हम नीचे आए, इसका मीन्स है कि जैसे ही हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र समाप्त होता है, विशाल मैदान मिलता है, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जो गंगा ने, जो ब्रह्मपुत्र ने, जो सिंधु ने मिलकर बनाया है। तो आप इस मैदान को यहां से लेकर इस तरह से देख सकते हो, देखो ये पूरा ये मैदान है, और ये मैदान का जो निर्माण किया है वो किसने किया है, बहुत सारी नदियों ने मिलकर किया है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं आपको बताने के लिए। देखो ये वाला, देखो यहां से लेकर यहां से हम ऐसे करके मुड़ के जाते हैं, तो ये है हमारा उत्तर का मैदान, ठीक है नहीं। चलिए इसके बाद यहां पर हमने बताया था ये मरुस्थली मैदान है अरावली के साइड में, यहां पर वर्षा नहीं होती, तो भारत का ये ठीक है। मरुस्थल के बाद यहां से जो हमें आपको हमने बताया था, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है आपको प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है ये। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के किनारों पर अगर हम देखें तो यहां पर एक तटीय मैदानों के निर्माण हुए, ये सब तटीय मैदान है, ठीक है नहीं।
इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी तट, और इधर जिस मैदान का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं हम पश्चिमी तट। समझ में आ रहा है नहीं, दिखाई दे रहा है नहीं आपको? चलिए, तो इसके बाद हमने आपको आगे और बताया था, ये तटीय है, इसको पश्चिमी तट कहते हैं, इसको पूर्वी तट कहते हैं, तो ये वाला भाग हो गया। इसके अलावा यहां पर आप पार्ट को देख पा रहे हो, ये है लक्षद्वीप। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ लक्षद्वीप कहां पर है, तो आप बताओगे लक्षद्वीप कहां पर है, अरब सागर के पास है, ठीक है, अरब सागर में है। इधर है हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में है, इसे रटते रहना। साथ ही साथ क्या है, यहां पर एक आपको गुजरात के नीचे देखो, यहां पर है, उसका नाम है दीव, ये दमन द्वीप का पार्ट है अगर आप देखना चाहते हो इसे, ठीक है नहीं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे पार्ट है, जैसे यहां पर, यहां के आसपास एक पार्ट है, ठीक है, यहां पर भी एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप, ठीक है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल गया है, आपको पता होगा अब इसका नाम क्या हो गया है, अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम, इसका द्वीप का नाम हो गया है, ठीक है। साथ ही क्या है, इसके बाद हो गया है हरिकोटा, तो हमने यहां पर बताया था यहाँ के आसपास हरिकोटा है, तो हरिकोटा कहां पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक पुलिकट झील है, पुलिकट झील के अंदर ही हमारा क्या है, हरिकोटा है। और याद रखना हरिकोटा पर हमारे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, किसका, इसरो का। हमें, हम जितने भी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं वो कहां से करते हैं, श्री हरिकोटा से करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमने अपना लॉन्च पैड जो है, या जो हम अपने उपग्रह को छोड़ने का जो स्थान है, हमने यहीं पर क्यों बनाया है, हमने श्री हरिकोटा क्यों बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे चैट में बताइए, मैं आपको अभी तुरंत तुरंत क्लियर भी करता जाऊंगा, और अगर पता है तो आप मुझे लिख के जरूर बताइए। आगे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर व्हीलर द्वीप है, व्हीलर का नाम बदल गया है, जो चिल्का झील के पास है, वहां पर हमारी एक एजेंसी है, उसका नाम है DRDO, आपने खूब अच्छे तरह से नाम सुना होगा, हमारे रक्षा उपकरण जो है वो कौन बनाता है, DRDO बनाता है। DRDO को अगर कोई अपनी मिसाइल लॉन्च करनी है, समझ में आएगा नहीं, मिसाइल लॉन्च करनी है, तो यहीं पर उसने एक जगह बनाई है, उसका नाम है चांदीपुर रेंज। तो चांदीपुर रेंज व्हीलर द्वीप पर ही है, चांदीपुर रेंज से वो अपनी मिसाइल को टेस्ट करते हैं। हमारी चाहे अग्नि मिसाइल हो, हमारी चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, जो DRDO जितनी भी मिसाइलों को जो टेस्ट करता है, वो कहां से करता है, वो व्हीलर से करता है। अब आगे बात आई कि भारत के प्राकृतिक विभाजन की, भारत के भौतिक प्रदेशों की, तो हमने बताया था NCERT के हिसाब से, NCERT के हिसाब से भारत को कितने भागों में बांटा गया है, आप इसको देख सकते हो, और आगे चलकर हम आपको इस चीज को दिखा भी देंगे। देखिए यहां पर आप देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा सारी चीजें। तो ये यानी ये भारत के, हमने बताया था भारत का अगर हम भौतिक विभाजन देखें, तो भारत इतने भागों में बटा हुआ है। पहला भाग कौन सा है, पहला भाग देखिए, ये देखिए हिमालय का पर्वत श्रृंखला, ठीक है। दूसरा कौन सा है, उत्तर का मैदान रट लो। तीसरा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा कौन सा है, भारतीय मरुस्थल। पांचवा कौन सा है, तटीय मैदान। छठवां कौन सा है, द्वीप है, ठीक है नहीं। तो ये मैंने आपको सभी बता दिए, इसके साथ साथ आप अपनी कॉपी पेंसिल भी निकाल लो, साथ साथ मैं कुछ और भी आपको बताऊंगा जो बहुत काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी भी है। ठीक है नहीं, चलिए तो यहां पर हम चलते हैं, और मैं आपको पहले सबसे बताता हूं, देखो ये जितना भी हमारा भारत है, तो भारत का ये देखो उत्तर का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है वो पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 43% हिस्सा बनाता है। पास में आएगा नहीं, कितना परसेंट बनाता है, 43%, राइट डाउन कर लो, मैं अभी उसको बता दूंगा श्री हरिकोटा में ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको टॉपिक को खत्म करके अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो उत्तर का जो मैदान है, यानी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कितना है, 43% है,
यानी 43 पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसका 43% है वो कहां पर है, उत्तर के उत्तरी मैदान बनता है, ठीक है नहीं। चलिए इसके अलावा अगर हम देखा जाए कि भारत के जो पर्वत हैं क्या है, भारत के जो पर्वत हैं, तो जो भारत का पर्वत जितने क्षेत्र को कवर करते हैं उसका सही डिजिट है 10.7%। यानी भारत के पर्वतों का जो विस्तार है भारत में पूरे क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है। मैदान कितना है बेटा, 43% है। पर्वत कितना है, 10.7% है। चलो अगर पहाड़ी पूछ ले कि पूरे भारत में पहाड़ी कितने स्थान पर या कितने परसेंट को घेरे हुए हैं, तो ये भी याद रखना ये पहाड़ियां हैं 18.6%। कितनी है, 18.6%। बात को समझ में आई कि नहीं, तो देख बात दोबारा देख लो। अगर आपसे पूछे पर्वत, तो पर्वत आपको कितना बताना है, 10.7%। पूरे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है मेरा याद रखना, पूरे भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 43% बनाता है हमारा उत्तर का मैदान। पहले इसको रट लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ आया कि नहीं, एक तो आ गया आपका उत्तर का मैदान, एक तो हो गया आपका उत्तर का मैदान 43%। अब देखो यार रटोगे कैसे इसे, इसके बाद आ जाओ यहां पे प्रायद्वीपी भारत, तो प्रायद्वीपी जो भारत है वो लगभग 27% है, मोटा मोटा बता रहा हूं। देखो 43% हो गया और 27% हो गया, बेटा मिला के बताओ लगभग 28% के आसपास बताया गया, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा याद करने के लिए बता रहा हूं। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि 27.7%, वैसे 43% कितना है, 27.7%। अगर आपको अच्छी तरह से डिजिट याद रखनी है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो कलर चेंज करने से पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, इसमें सब सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं अभी आप सही करता हूं इसको। चलिए अब सही हो गया होगा ना, हो गया ना सही। चलिए दोबारा हम वहीं पे चलते हैं जहां पे हम आपको बता रहे थे। चलिए तो मैंने आपको बताया था उत्तर का जो मैदान है वो कितना है, 43%। रट लो पूरे भारत के 43% पर हमारे उत्तर के मैदान का विस्तार है। दूसरा देखो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका कितना है, 27.7%। कितना है, 27.7%, ठीक है। चलिए बता रहा हूं बेटा, ये बता रहा हूं 18.6 किसका है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम पर्वतों की बात करें, केवल पर्वत, मैं किसकी बात करूं, केवल पर्वत की बात कर रहा हूं, पर्वत, ठीक है नहीं। तो मैं पर्वत और पहाड़ियों में क्या अंतर होता है ये भी बताऊंगा मैं। पर्वत याद रख लो कितना है, 10.7%, ठीक है। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो जनरली इतना है, ठीक है नहीं। बात समझ में आएगी नहीं, चलो ये पर्वत है। चलिए इसके बाद 10.7% लिख लेना, इसके बाद पहाड़ी। अभी आपने ध्रुव शर्मा आपने पूछा था 18.7 क्या है, तो ये क्या है, हिल्स है, हिल यानी पहाड़ी। इनमें क्या क्या अंतर होता है मैं अभी आगे लेक्चर में बताऊंगा। हिल्स, हिल्स कितनी है, 18.6%। बात को समझ में आएगी नहीं, चारों चीजें आपको याद हो गई। अगर उत्तर के मैदान का विस्तार 43% है, प्रायद्वीपी भारत का जो विस्तार है वो 27% है, अभी मेरे साथ ही याद करते जाओ, ये मत सोचो घर पर बाद में मैं याद करूंगा। पर्वतों का जो विस्तार है, बड़े बड़े पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 2000 मीटर से ऊंची है उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनका कितना है, 10.7% है। और हिल्स जो पहाड़ियां हैं जो लगभग 2000 से छोटी है या 1000, ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनका जो विस्तार हमारे भारत में 18.6% है। बात समझ में आएगी नहीं, चलिए ये हमारे भारत का क्या है, एक तरह से विस्तार है। जो हम भारत के जो भौगोलिक क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं तो ये सभी क्या है, भौगोलिक क्षेत्र हैं। और मैंने आपको भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में आपको बता दिए। अब बताइए इन भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण के पीछे कुछ कारक थे, हमारी
हमारी पृथ्वी पर, यानी हमारे पृथ्वी पर भारत है, और भारत में ये प्राकृतिक भूदृश्य जो आपको दिखाई देते हैं, नेचुरल जो पार्ट जो भारत के दिखाई देते हैं, वो पार्ट किसके कारण है, वो मैंने आपको एक दिन बताया था, पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, यानी पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल और सूर्य के द्वारा जो बल हमारी पृथ्वी पर लगता है बहिर्जात बल, उन दोनों के कारण पृथ्वी पर हमारे भारत की जो प्राकृतिक संरचना का निर्माण हुआ है, इसी इंडोजेनिक फोर्स से ही हिमालय का निर्माण हुआ है, फिर बहिर्जात बल के कारण मैदानों का निर्माण हुआ है, और इंडोजेनिक फोर्स की वजह से हमारा प्रायद्वीपी भारत बना था, फिर अपक्षय और अपरदन के कारण हमारे मैदानों का या तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। बात अब जहां तक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी और रट लिया होगा, और एक बार मैं फिर दोबारा से बताना चाहता हूं, तो एक बार फिर दोबारा से रट लो कि हमारा उत्तर का जो मैदान है वो कितना है, 43% रट लो, बिल्कुल 43% है, ठीक है नहीं। चलिए अगर हम प्रायद्वीपी भारत की बात करें तो कितना है, 27.7%, अगर हम पर्वतों की बात करें 10.7%, अगर हम पहाड़ियों की बात करें तो 18.6% है। ये तो हो गया हमारे भारत का भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन में हमारा चल रहा था सबसे पहला जो टॉपिक चल रहा था वो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने आपको कल बताया था कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अगर विस्तार देखा जाए तो हमारे भारत को, ठीक है, तो हमने हिमालय का जो विस्तार बताया था वो कितना था, 2400 किलोमीटर के आसपास था, ठीक है। चलिए हम दोबारा से आपको कहां चलते हैं, सीधे बोर्ड पे ले चलते हैं, और मैं आपको इससे रिलेटिव सारी चीजें आज बताने वाला हूं, तो वो आप बोर्ड पे आइए और मुझे बताइए, और आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके भी बैठा करें उस टाइम पर जब मैं आपको बोर्ड पे बुलाया करूं, ठीक है। क्या आप मुझे बोर्ड पे देख पा रहे हैं तो मुझे बताना, मैं इसी पे अभी फिगर बनाता हूं, ठीक है। चलो आइए, हम बोर्ड पे आ चुके हैं। तो जब हमने बताया था कि यहां पर याद रखना कौन सा है हमारा, भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न माउंटेनियर रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेनियर जो रीजन है बेटा, याद रखना, वो मुख्य रूप से ये दो भागों में बटा हुआ है। अगर हम इसको बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, एक है हमारा ट्रांस हिमालय। अब मैं ट्रांस हिमालय क्यों बता रहा हूं, ट्रांस हिमालय वो भाग है, ट्रांस माने होता है पूर्व, यानी ऐसा हिमालय जो क्या है, जो हिमालय से, मुख्य हिमालय से पूर्व में बना था, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय, इसको कहते हैं पुरा हिमालय भी कहते हैं। हिमालय से, हिमालय के निर्माण से पूर्व जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, बात समझ में आएगी नहीं। चलिए दूसरा है हमारा हिमालय, दूसरा है हमारा हिमालय, यानी उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम जनरली कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक है हमारा ट्रांस हिमालय तो दूसरा है हमारा हिमालय, ठीक है। अब हम आगे जाकर ट्रांस हिमालय को भी कुछ भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ट्रांस हिमालय को बांटूं, उससे पहले मैं आपको इस हिमालय के बारे में बता देता हूं। ये हिमालय अगर इसको क्षैतिज रूप से बांटा जाए, चैत्र तो जानते हो ना बेटा, यहां से ऐसे ऐसे करके, अगर आप उत्तर प्रदेश में हो और आप उत्तर की ओर जा रहे हो इस तरह से, तो सबसे पहले आपके पास शिवालिक पड़ेगा, शिवालिक के बाद आपको क्या पड़ेगा, लघु हिमालय पड़ेगा, फिर महान हिमालय बनेगा, ठीक है, उसके बाद ट्रांस हिमालय पड़ेगा, इस तरह से बता रहा हूं मैं। तो यहां पर क्षैतिज रूप से इसका अगर हम विभाजन करें तो ये है हमारा महान हिमालय। चलिए नोट भी करते जाओ और मुझे बताते भी जाओ, महान हिमालय। दूसरे को हम कहते हैं लघु हिमालय, इसको लघु हिमालय भी कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में पड़ता है, इसलिए हम इसको मध्य हिमालय भी बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा शिवालिक, शिवालिक, ठीक है। बहुत सारी चीज एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी में होगा मैं एनसीईआरटी में बताऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी से अलावा भी मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से रिलेटिव कुछ भी दे रखा हो वो आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है नी। नोट कर लो, क्यों नोट ना भी करो तो पता है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, मैं मुझे बता दिया करो, मैं हट जाया करूंगा उससे, तो अभी मैं इस पे बना रहा हूं तो अभी मिटा नहीं रहा हूं, तो जब मैं मिटाऊंगा उससे पहले स्क्रीनशॉट की कह दूंगा आपसे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ध्यान रखना, सबसे जो नीचे, यानी अगर आप
अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप उत्तर के मैदान पर खड़े हुए हैं तो ऊपर यानी यहां से उत्तर का यहां से मैदान है तो मैदान से ऐसे ऊपर करके जाएंगे तो इस तरह से विभाजन है। और ये लाइन कैसी कहलाती है? क्षैतिज। इसलिए हिमालय का वास्तव में क्षैतिज विभाजन है। अगर आपसे कभी पूछे हिमालय को क्षैतिज रूप से कितने भागों में बांटा जाता है तो आप बता देना चार भाग में बांटा जाता है। सबसे नीचे वाला ये शिवालिक है। अब बताओ शिवालिक सबसे लास्ट में बना है, इसको नवीन पर्वत है सबसे। ठीक है, चलिए तो देखो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगा, उस फिगर को आप देखना। सबसे पहले यहाँ पर है तुम्हारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आता है हमारा ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद आता है हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद आता है हमारा शिवालिक, शिवालिक के बाद एक गर्त आती है और फिर आ जाता है हमारा गंगा का मैदान। क्या आप सभी देख पा रहे हो ना? ठीक है, सब देख पा रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखिए यहां पर है ट्रांस हिमालय, बेटा यहां पर क्या है? ग्रेट हिमालय। यहां पर क्या है? लेजर हिमालय। यहां पर क्या है? शिवालिक। शिवालिक के बाद यहां पर क्या है? यहां पर है भारत का विशाल मैदान। तो मैं केवल विशाल मैदान लिख दे रहा हूं, आगे भारत अपने आप लिख लेना, भारत का विशाल मैदान। बेटा यहां पर हमारा भारत खत्म नहीं हो जाता है, ये याद रखो। ये नॉर्थ है तो बेटा यहां पर साउथ है, यानी अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे या साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तब ये सीक्वेंस बढ़ेगा। मैं अभी आपको मैप पे बताऊंगा। तो पहले गंगा का मैदान होगा, इसको आप क्रॉस करोगे तो शिवालिक पड़ेगा, शिवालिक को क्रॉस करोगे तो लघु हिमालय पड़ेगा, इसको क्रॉस करोगे तो ग्रेट हिमालय पड़ेगा, महान हिमालय पड़ेगा, इसको क्रॉस करोगे तो ट्रांस हिमालय पड़ेगा। आगे जाके खत्म नहीं हो जाता, यहां पर फिर एक पर्वत आ जाता है, उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि उत्तर में नहीं आता, ये यहीं से खत्म हो जाता है उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का जो क्षेत्र है भारत का। हिमालय से दक्षिण भारत शुरू हो, बिंद से दक्षिण भारत शुरू हो जाता है, बिंद के इस साइड में होता है उत्तर भारत, तो बिंद के नीचे वाले साइड में होता है बिंद पर्वत या विंध्यांचल के होता है दक्षिण भारत। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद सतपुड़ा है और सतपुड़ा के बाद यहां पर हमारा इंडियन ओशियन आ जाता है। इस तरह से भारत। बात को समझ में आएगी नहीं? चलो जिसके ना समझ में आया हो बता देना, इसको वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। बेटा कौन सा तीन हुए? अरे ये तो तीन हुए, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हो। ये हो गए तो हिमालय के तीन पार्ट है, ये पूरे हिमालय की बात करो, उत्तर का भाग, उत्तर को अगर देखें तब चार होते हैं। ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र चार भागों में विभाजित है। मुख्य रूप से अगर हम पर्वत तंत्र के बारे में बोलते हैं ना, तो पर्वत तंत्र हम जैसे ही बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? हिमालय के साथ हिमालय, ट्रांस हिमालय भी शामिल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि पर्वत समूह क्या होता है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं। एक क्लास में इसी के रखूंगा एक दिन कि मैं आपको जो ज्योग्राफी की टर्मोलॉजी जो होती है, ज्योग्राफी की शब्दावली होती है, उनको मैं अच्छे से आपको बताऊंगा एक दिन। कटक क्या होता है ये आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होगा, प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ठीक है, रिफ्ट वैली क्या होती है, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, बलित पर्वत क्या होते हैं। बलित पर्वत तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक क्लास मेरी यही होगी कि मैं ज्योग्राफी की आपको शब्दावली बताऊं, या मैं एक काम करूंगा यूट्यूब पर आपको मैं ऐसे वीडियो जो है वो जनरली पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, मैं क्लास उसमें यूट्यूब पर ही समझाता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए नॉर्थ से लेके साउथ में चलते हैं। तो पहले कौन सा? ट्रांस हिमालय, मेरे साथ साथ बोलो ग्रेट हिमालय, फिर उसके बाद लेजर हिमालय, फिर शिवालिक, फिर उसके बाद आ जाता है एक और गड्ढा, फिर विशाल हिमालय, फिर विंध्य है, फिर सतपुड़ा है। इसके बाद हम यहाँ दक्षिण भारत में चलते हैं और यहां से आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन। बेटा पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसका नाम किसी महासागर पर पड़ता हो, केवल और केवल भारत को छोड़कर। नहीं तो इससे पता चलता है भारत की प्रारंभिक यानी भारत की प्राचीन संस्कृति कितनी महान रही होगी, और भारत की संस्कृति से महान विश्व की कहीं की भी संस्कृति महान नहीं रही है। ठीक है नहीं? चलो उषा जी नमस्कार, आप भी आ गए है? चलो आओ तो उसमें चलते हैं। इसमें तो यहां पर आप अगर इसको देखोगे तो मैंने आपको बताया था। चलिए एक और चीज हम समझते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब आप शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में आओगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अब शिवालिक खत्म हो गया, अब लघु हिमालय शुरू हो गया? लघु हिमालय के बाद आप कैसे पता करोगे अब ग्रेट हिमालय आ गया? ग्रेट हिमालय के बाद आप कैसे पता करोगे अब ट्रांस हिमालय आ गया? बताओ, ये भी तो कुछ चीज होनी चाहिए। तो कैसे पता किया हमने कि जैसे ही शिवालिक खत्म होगा यहां पर एक गड्ढा आ जाएगा, एक गर्त आ जाएगी। समझ में आएगा नहीं? यहां पर खाली जगह होगी, खाई जैसी होती है उस तरह की जगह होती है। यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है।
तो इनको क्या क्या कहते हैं इसको भी मैं साथ साथ बताऊंगा। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन सी गर्त है, तो याद रखना यहां पर है इंडो सांगपो सचर, लिख लो इसको, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं तो आप नोट कर लेना, इंडो सांगपो सचर, बात समझ में आएगी नहीं। तो इंडो सांगपो सचर जो है वो क्या करती है, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करती है। बेटा कभी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि बताओ इंडो सांगपो सचर किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो आप बताओगे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, इंडो सांगपो सचर। चलिए अब देखते हैं यहां पर ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, तो इसका नाम है MCT, ठीक है नहीं, मैन या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका पूरा नाम क्या है, मेन, मैं लिख दे रहा हूं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको अभी याद रखना है, ये मैं सोच रहा घर पर जाऊंगा मैं वीडियो देखूंगा, बार बार वीडियो देखूंगा मैं याद कर लूंगा। बेटा पूरी कोशिश करो, ये घंटा कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, जो समय निकल जाता वो निकल ही जाता है। इसलिए जो आदमी अपने समय का सदुपयोग नहीं करता, समय की इज्जत नहीं करता, उसकी समय भी इज्जत नहीं करता है। इसलिए याद रखना कि ये जो एक घंटा जो पढ़ रहे हैं, तो ये बस सोचो कि हम YouTube पर पढ़ रहे हैं तो चलो बाद में याद कर लेंगे, पूरी कोशिश करो कि यहीं पे याद कर जाओ कि जब भी आप इस क्लास से जाओ तो आपको लगे कि हाँ हमने कुछ याद किया है। बात समझ में आएगी नहीं। चलिए तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यहां पर लघु हिमालय और यहां पर शिवालिक है, ठीक है, तो लघु हिमालय शिवालय के बीच में जो है उसका नाम है कौन सा है, इसका नाम है MBF। क्या नाम है इसका, MBF। MBF की फुल फॉर्म क्या होती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। शिवालिक और विशाल हिमालय है, शिवालिक और विशाल हिमालय के बीच में भी एक गड्ढा आ जाता है छोटा सा, ठीक है, उसका नाम है HFF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है नहीं। चलिए अब इसको देखो, मैं सारी चीजें एक साथ मिटाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, मुझे आप बताना कि सीक्वेंस अगर हम उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो क्या क्या पड़ेगा, तो आप मुझे ऐसे ही जवाब देना है कि सर सबसे पहले अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो क्या होगा, हम विंध्य पर्वत से उत्तर की ओर चल रहे हैं तो क्या क्या बीच में पड़ेगा, ऐसे कभी क्वेश्चन IAS में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछता जो अब तक पूछे नहीं गए, इसलिए अंदाजा लगाना पड़ता है कि IAS में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी एग्जाम भी आजकल पता है बहुत ज्यादा टेक्निकल रूप से एडवांस हो गए हैं, वो भी आजकल जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लग गए। अरे सानिया मिर्जा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए यहां पर, तो हम यहां पर जो आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए सीखिए इसको, विंध्य है, अब हम विंध्य से उत्तर की ओर चलेंगे तो बेटा सबसे पहले हम कहां पर आएंगे, विंध्य। अब हम उत्तर में चल रहे हैं तो देखो आंख बंद करके मेरे साथ साथ बोलो, बिल्कुल YouTube की तरफ इस उसकी स्क्रीन की तरफ मत बोलो, वैसे देखो। इसके बाद क्या आएगा, हमारा गंगा का या जो हमारा विशाल मैदान आएगा, जैसे ही विशाल मैदान खत्म होगा यह आएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जैसे ही हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट खत्म हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा लघु हिमालय। अगर हमारा जैसे ही लघु हिमालय खत्म होगा, लघु हिमालय के बाद हमारा क्या आ जाता है, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ जाएगा, ठीक है। मेन सेंटर थ्रस्ट के बाद आ जाएगा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, महान हिमालय जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आ जाएगा इंडो सांगपो सचर, इंडो सांगपो सचर जैसे ही खत्म होगा आएगा हमारा ट्रांस हिमालय, और इसके बाद भारत खत्म हो जाएगा। भारत तो खैर कभी खत्म नहीं होना है, ठीक है, वो जनरली मैं बता रहा हूं कि भारत का क्षेत्र खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं सभी। चलिए तो मुझे, मैं भी उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, और ठीक है चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो अब आ जाते हैं दोबारा यहीं पर आ जाते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आ जाओ सबसे पहले ट्रांस हिमालय पे चलते हैं, ट्रांस हिमालय, मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बेटा याद रखना, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है, निर्माण
हिमालय से या मुख्य हिमालय से पूर्व में हुआ है, हिमालय से पूर्व में इसका निर्माण हुआ है। किसका? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, अब ये जो ट्रांस हिमालय है मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपको फिगर बना रहा हूं मैं, वैसे मैं उस पर भी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूं, फिगर भी बनाना जानता हूं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है नहीं, चलिए यहां पर, यहां से अगर आप ले गए सीधे सीधे कौन आ जाता है, ये लद्दाख है, और यहां से, और यहां से ये क्या है, जम्मू कश्मीर, और ये क्या है, लद्दाख है। ठीक है नहीं, तो ये नए केंद्र शासित प्रदेश बने दोनों, आपको पता होगा कब बने थे, ये भी याद रख लो, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, पहले ये क्या थे, विशेष राज्य थे, आपको पता होगा आर्टिकल 370 के अंतर्गत, आर्टिकल 370 यहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, अब हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं बेटा, अभी हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय में देखो, तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले जो एक पर्वतीय श्रृंखला जो मिलती है वो मैं ज्यादा ऊंची बनाती है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो उसका नाम है काराकोरम। क्या है वो? काराकोरम। मैं आपको वैसे भी मैप पे भी दिखाऊंगा, लेकिन यहां भी ध्यान रखो, काराकोरम। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय में, हिमालय का पार्ट नहीं है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे है, उसका नाम है आपका कौन सा, लद्दाख, और लद्दाख के नीचे है जास्कर। बात समझ आएगी नहीं, लद्दाख और जास्कर। ठीक है नहीं, तो यहां पे एक याद रखना KLJ। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो सबसे पहले काराकोरम की श्रेणी पड़ती है, काराकोरम के बाद कौन सी पड़ती है, लद्दाख पड़ती है, लद्दाख के बाद कौन सी पड़ती है, शिवालिक पड़ती है। ठीक है, अगर नॉर्थ से साउथ में कभी क्रम पूछे तो भी याद रखना, आगे जाके हम बताएंगे लद्दाख और जास्कर के बीच में हमारी सिंधु नदी भी बहती है। ठीक है नहीं, तो अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं और साफ कर दे रहा हूं। अच्छा, ये रहा जास्कर। ठीक है नहीं, यहां पर, तो यहां पर काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, ये तीन श्रेणी याद रखना। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम क्या है, काराकोरम है। काराकोरम बहुत जरूरी श्रेणी है, वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो आपको एक बार में पता चल जाएगा, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो कहां पर है, इसी काराकोरम पर है। ठीक है, यहां पर है, और इसका नाम क्या है, K2, या क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। नहीं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया। नहीं, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 8611 मीटर। नहीं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कब्जे में नहीं है। नहीं, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक काम कीजिए कि जो जो आपका वो है ना, तो उसको 480 पे कर लो बस, तो साफ दिखाई दे जाएगा। वैसे मैं अभी PDF पे आऊंगा तो वो साफ दिखाई दे जाएगा, लेकिन 480 पे कर लो, 480 पे साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर के कितना है, लगभग ऊंची है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। ठीक है, चलो इस काराकोरम की ही बात करेंगे, तो नीचे यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, यानी भारत की सेना विश्व की सबसे पहली और सबसे ऐसी सेना है कि जो सबसे ऊंचाई वाले स्थल पर लड़ने की क्षमता रखती है। पूरा विश्व में भारत की इस सेना का जवाब किसी के पास नहीं है, ऊंचाई पर सबसे अच्छा लड़ने वाली सेनाओं में भारत का प्रथम स्थान आता है। तो यह सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन है, या सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, और भारत का ये जो ग्लेशियर है उसका क्षेत्रफल लगभग 76 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह भी याद रखना। ठीक, चलिए अब ये काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम का कहां पर, ये आपको पता होगा, ये पूरब है, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी पर।